तो अब ये शुरू करेंगी। जी नाज़रीन, बहुत मज़ा आ रहा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जिससे ये है कि अब आप जब भी बच्चों के साथ पार्क वगैरह में जाते हैं, बच्चे खाने पीने की चीज़ करते हैं, ये बहुत आसान सा और कम खर्च है। आप 100 रुपये में पूरे में आपकी पूरी फैमिली जो है इंजॉय कर सकती है और आप ज़्यादा इसे उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? राना साहब इंटरनेशनल आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं बनाने वाला हूँ स्नैक्स। बच्चों को स्नैक्स बहुत पसंद है और आप इसे घर आसानी से इजी बना सकते हैं और मैं आपको इस पर काफ़ी सारी मेरे पास रेसिपीज हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ और मैं आपको अच्छे अच्छे साथ में इसके व्यूज़ दिखाता हूँ, क्योंकि बच्चों को खूबसूरत जगहों की बड़ी ख्वाहिश होती है घूमने की, साथ साथ आप लोगों को वो दिखाऊंगा और साथ साथ इसके आप बाहर जाके वो चीज़ें बना सकते हैं। जैसा कि मैं आज सैंडविच जो है वो बनाने लगा हूँ स्नैक्स के, 2-3 क्वालिटी में मैं बनाऊँगा और ये यकीनन आपको पसंद आएंगे। इफ़ यू लाइक दिस माई रेसिपी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। हाउ टू मेक स्नैक्स, मेक स्नैक्स चीज़ों के जी नाज़रीन व्यूज़ ये देखें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त व्यूज़ है और आपको पसंद आएगा। साथ में जी आपको हम रानी कश्ती दिखाते हैं लेक व्यूज़। अब हम शुरू करते हैं अपने स्नैक्स को, बड़ा मज़े का डिलीशियस होगा और परफेक्ट होगा। अब आप देखें, 3 मैंने स्लाइस ले ली हैं, ये डबल रोटी है बड़ी, 3 स्लाइस के ऊपर अब हमने क्या लगाना है इसमें, इसके हम कुकम्बर लगाएंगे, खीरा लगाएंगे, सैलड पत्ता लगाएंगे, बहुत इजी है। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, मायोनीज, हमने इसके ऊपर मायोनीज को व्यूअर्स ये मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ थोड़ा कि ये जो स्नैक्स की चीज़ें होती हैं इसको आप बासानी से ना तो इसका कोई वजन है ना इसके लिए कोई बहुत सारे बर्तनों की ज़रूरत है, आप जिधर मर्जी जाकर बैठ जाएँ वहाँ पर आप आसानी से बना सकते हैं और मज़े से इसको आप खाएँ। आपके सामने हम ये देखें बना रहे हैं, इस पे खर्चा भी कुछ नहीं है, बाहर से आप चीज़ लेंगे तो वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी और ये वाली है जो ब्रेड है ये 65 रुपीज़ की है और आप इसके कितने सैंडविच बना सकते हैं, आप इसके 5 सैंडविच बना सकते हैं, बाहर से आप 5 ले तो एक इससे भारी आएगा, 65 में आता है, इसमें एक पीस कुकम्बर लगेगा, 2 पीस ये स्लाइस लगेंगे, थोड़ी सी आपने ऐसे स्लाइस के ऊपर ये देखा है ना, बड़ा सस्ता काम, इतना मजे का ना वजन है इसका तो ना कि इसके ऊपर कास्ट आ रही है। ट्रेन देखे कितनी प्यारी लग रही है, लोग देखे कि सेल्फी बना रहा है, कोई वीडियोस बना रहा है, क्या खूबसूरत नज़ारा है और हम भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ आप लोगों को भी एंजॉय कराते हैं। तो मेरी वीडियो को आप देखते रहें, आगे आगे मैं आपको और भी बहुत सारे टिप्स बताता हूं और साथ में अच्छे अच्छे आपको व्यूज़ भी दिखाता हूं। और ये हमने इसके ऊपर जैसे ये पेस्ट कर दी है आप देखें, अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर अब हम लगाएंगे सैलड पत्ता, ये हमने रख दिया ठीक हो गया, और अब इसके ऊपर क्या जाएगा, ये जाएगा ठीक हो गया। अब आपने क्या करना, इस स्लाइस को हमने बंद करने से पहले इस पर थोड़ा सा साल्ट कदरे ज़रूरत है कि आप नमक लगाना चाहें तो हल्का सा लगा लें, इसके अंदर भी मिक्स होता है जो मायोनीज होती है, इसमें नमक ऑलरेडी होता है, ब्लैक पेपर भी होती है, ये लगाएं और थोड़ी सी इस पर मैं लगाऊँगा ब्लैक पेपर, ये ठीक हो गया। चिकन की इसमें ज़रूरत नहीं है, फ्राई सैलड आप लगाएं, भाई चिकन ख़राब हो सकता है गर्मी के मौसम में ठीक है। अब आप ये हो गया ऐसे, अब हमने जो नेक्स्ट उठाना है इसके ऊपर हम फिर क्या करेंगे, एक पत्ता हमने फिर उठा लिया, ये लगा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाले जो हमारे पास स्लाइस पड़े हैं, एक ये गया एक ये गया, और यहाँ से आप एक और स्लाइस लगाएंगे तो आगे फ्रेश सैलड जो है ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, एपिटाइज़र होता है, और एक ये लग गया, अब इसके ऊपर एक ये भी जाएगा, है ना कितना बड़ा स्लाइस बन गया।
इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा साल्ट लगा देते हैं और थोड़ी सी क्या लगाएंगे, ब्लैक पेपर। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा पीछे। अब हमने इसको इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे। अब इसको दबा के ऐसे आप इसको मज़े से खा सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल लुक, इट इज़ मोर डिलीशियस, इट इज़ यूनिक रेसिपी, फंटेस्टिक। इफ़ यू लाइक माई दिस रेसिपी प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट। मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताना है कि ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ना प्यारा। चिकन की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ है सैलड पत्ता है और आप व्यूअर्स खाता हूँ कि यहाँ पर बच्चे इस साइड पे भी ये देखे एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। और इस साइड पे जो लेक है, झील है, बहुत खूबसूरत, देखे कैसे बच्चे घूम रहे हैं। उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, परफेक्ट है और फ्रेश है। फ्रेश क्या है इसमें कि कुकम्बर और टमाटो ये दोनों चीज़ें फ्रेश हैं, फ्रेश सैलड है। और इसमें हमने मायोनीज लगाई है। जिधर मर्जी जाएं सस्ती सी चीज़ मज़े से ज़्यादा सारी बनाकर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे हम ये दिखाते हैं, ये फिर आप शुरू करें बैठे बैठे। ये हमारे फ्रेंड्स हैं, माशाल्लाह बहुत नाइस हैं, इनके साथ बड़ा मज़ा आया। और स्पेशली मुझे अतर साहब ने बुलाया है कि आए आपको मैं अच्छी जगह पे लेकर जाता हूँ कि आप वहाँ पर दिखाएं कि क्या खूबसूरती है इस्लामाबाद की। और इस लेक व्यू में जो मुझे लेकर आए हैं और उन्होंने व्यूज़ भी दिखाए हैं और मुझे तरीका बताया है कि आपने ये चीज़ें वीडियो में लाए ताकि आपके ऑडियंस जो है इससे इंजॉय करें, देखें। तो अब ये शुरू करें जी। जी नाज़रीन, बहुत मज़ा आ रहा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जिससे यह है कि अब आप जब भी बच्चों के साथ पार्क वगैरह में जाते हैं, बच्चे खाने पीने की जिद करते हैं, ये बहुत आसान सा जो है इंजॉय कर सकती है। और आप ज़्यादा खर्चे से आप भी ये चीज़ बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें जी। थैंक यू भाई, आपने बहुत अच्छा बताया कि ये चीज़ें जो हैं बाहर लेंगे तो महंगी मिलती हैं और दूसरा वो होती हैं रेडीमेड, और ये आ गई आपकी होम मेड। ईजी बनाएं, आसानी से बनाएं, एंजॉय करें। जिधर मर्जी आप ये देखें कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं, बोट्स देखें। फ्रेंड्स अब रहना अफजल को इजाज़त दीजिए, तब तक लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।